हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं कृष्ण के लिए झूला बनाने वाली हूँ, पर इसके लिए मैंने कोई भी बाहर का कुछ भी यूज़ नहीं किया है और घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसको ही यूज़ करके मैंने झूला बनाया है बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का गैलन लिया है, अगर आप चाहे तो बॉक्स भी ले सकते हैं और प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हैं। तो मैंने इस गैलन का नीचे का पार्ट कट कर दिया है तो इस तरह से एक प्लेट जैसा बन गया है। अब मैंने यहाँ पे रेड वुलन थ्रेड लिया है और एक छोटी सी बैंगल ली है। अब वुलन थ्रेड को मैं दो लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ और वही लंबे दो पीसेस के मिडल में मैं बैंगल को लूप बना के फिर बांध लेती हूँ। ये मैं बहुत ही क्विक और आसान तरीके से झूला बना रही हूँ, तो आप चाहे तो जन्माष्टमी के दिन भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन आप अपने मंदिर में इस तरह से अगर झूला बना के रखेंगे तो हर साल आप इसको बना के लगा लेंगे और जन्माष्टमी के बाद आप उसको निकाल भी सकते हैं। बैंगल के साथ बांध लेने के बाद जो नीचे का एंड है वहाँ पे हमें नोट लगानी है, तो यहाँ पे मैंने गांठ बना ली है और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कट करके उसकी लेंथ सही कर देनी है। तो अब यहाँ पे हमारा ये थ्रेड रेडी हो गया है, तो अब इस थ्रेड के बीच में हमें वो प्लास्टिक के कंटेनर को लगा देना है। आपने जो भी सर्कल में कंटेनर लिया हो या स्क्वायर में लिया हो, कोई भी कंटेनर इस तरह से बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें प्लास्टिक के कंटेनर को रख के हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में ये थ्रेड रखना है। आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं तो ये भी एक झूला ही बन जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना था तो मैंने कंटेनर के पीछे क्रॉस साइन, जैसे हम करते हैं वही क्रॉस साइन में मैंने डिसाइड किया थ्रेड को लगाने का। तो जस्ट सिक्योर करने के लिए मैंने उस पर सेलो टेप लगा दी, जिसकी वजह से वो थ्रेड वहाँ से हिलेगा नहीं। यहाँ पे मैंने सारी टेप लगा के इस तरह से क्रॉस बना लिया है और अब जब मैं इसे पकड़ूंगी तो इस तरह से वो दिखेगा। तो ऐसे हमें बाल गोपाल का मुख भी अच्छी तरह से दिखाई देगा। अब बारी आती है हमें इसे डेकोरेट करने की। तो सबसे पहले मैंने एक रेड चुन्नी ली है और उसी चुन्नी को इस तरह से फोल्ड किया है कि इस कंटेनर में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने उसको बहुत ही छोटा सा फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करते वक्त मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि जो उसकी बॉर्डर है वो मुझे आगे की तरह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, जिससे ये प्लास्टिक का कंटेनर दिखे ना। तो इस तरह से मैंने फोल्ड किया है और आगे के पार्ट में ये बॉर्डर इस तरह से लग जाएगी, तो जिससे ये कंटेनर भी छिप जाएगा। अब मैंने छोटे से कृष्ण के लिए गद्दी बनाने के लिए यहाँ पे एक रेड कलर का कपड़ा लिया है और उसको मैंने सेम ही पैटर्न से बहुत ही छोटा सा फोल्ड किया है और उसको इतना ज़्यादा फोल्ड किया है कि वो गद्दी जैसा ही लग रहा है। और जब मैंने इसको झूले में रखा तो झूले का लुक ही चेंज हो गया, क्योंकि चुन्नी की वजह से वो एकदम से भरा भरा लग रहा था, लेकिन ये गद्दे की वजह से बीच में थोड़ा सा प्लेन और साइड में मुझे बॉर्डर दिखाई दी, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे बाल गोपाल को बिठाने के लिए मुझे कुशन की कमी लग रही थी, तो अब कुशन बनाने के लिए मैंने बहुत ही पुराना मेथड यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है और अब जब बचपन में जो तकिया बनाते थे रुमाल से, उसी मेथड को यूज़ करके मैंने वही कपड़े का एक तकिया सा बना लिया है। इस मेथड को यूज़ करने से मुझे ना कोई सुई धागे की ज़रूरत पड़ी, ना कोई ग्लू लगाना पड़ा और पूरा झूला इस तरह से रेडी हो गया। तो देखो ये मेरा प्यारा सा कुशन भी रेडी हो गया, वो कितना क्यूट सा लग रहा है।
तो अब मैंने इस कुशन को इस झूले में रखा तो ये झूले का तो लुक और ही बदल गया। वो इतना प्यारा लग रहा था जैसे कि ये बाजार से खरीदा हुआ बाल गोपाल का बेड लग रहा था। अब हम झूला बना रहे हैं तो बाल गोपाल को झुलाने के लिए भी हमें कुछ लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने एक डेकोरेटिव लेस ली है और उसको आपको जितना चाहिए उतना कट कर देना है, तो मैंने थोड़ा सा लंबा ही कट किया है। और उसको मैंने वो प्लास्टिक के कंटेनर में होल लगा के पीछे एक गांठ बना दी है जिससे वो बिना सुई धागे या बिना कोई ग्लू लगाए हुए वो स्टिक हो जाएगा। और अगर आपके पास ऐसी चुन्नी नहीं है तो आप दुपट्टे का पीस ले सकते हैं या कोई भी नेट वाला पीस ले सकता है, आप वो ले सकते हैं। अब ये झूला को झुलाने की डोरी भी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी सी लग रही है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। अब मुझे मंदिर में इस तरह से ऊपर लगाना था तो मुझे कोई बेस की ज़रूरत नहीं थी झूले के लिए, तो मैंने ऊपर एक कमांड हुक चिपका दिया और फिर वो बैंगल्स को कमांड हुक में लगा दिया। तो यहाँ पे हमारा झूला मंदिर में सेट हो गया है। और मेरे पास ऐसे कोई छोटे से बाल गोपाल नहीं थे तो मैंने मेरी बेटी की छोटी सी गुड़िया को थोड़ा सा तैयार करके फिर उसमें बिठा दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप ऐसे बाल गोपाल को रख सकते हैं। उसके बाजू में मैंने इस तरह से छोटी सी लाइट्स रख दी है दोनों साइड पे जिससे वो लुक और भी बढ़िया लग रहा है। लाइट्स लगाने के बाद मुझे और भी कुछ डेकोरेट करना था तो मैंने कुछ सोच के फिर इस तरह की रेड चुन्नी ले ली और उसको बीच में धागे से मैंने बांध लिया है तो एक बोझ ऐसा हो गया। फिर वही जो धागे से बंधा हुआ पार्ट था उसको मैंने ऊपर लगा के इस तरह से उनका बैकग्राउंड भी रेडी कर दिया। तो ये देखो कितना अच्छा और प्यारा सा झूला रेडी हो गया है और अब मैं इसे झूला भी रही हूँ। बहुत अच्छा और प्यारा लग रहा है, मंदिर की पूरी रौनक ही चेंज हो गई। तो अगर इस लॉकडाउन में आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप इतना इजी तरीके से आप भगवान का झूला बना सकते हैं और प्यार से बनाई हुई कोई भी चीज़ भगवान को प्यारी ही लगती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।